नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। ये आपके सामने रहा ट्रायंफ स्पीड 400 MI 25, साथ में हमारे सामने ये रहा ट्रायंफ स्पीड T4 के बारे में डिटेल में आप लोग के साथ रिव्यू करेंगे। इसमें क्या क्या कॉस्मेटिक साइड से और हार्डवेयर के साइड से क्या क्या चेंजेस आपको मिलने वाला है, फुल डिटेल रिव्यू आप इस वीडियो में देख सकते। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस गाड़ी का प्राइसिंग से, आपको कितना प्राइस इन दोनों गाड़ी को देना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूँ, इन दोनों गाड़ी का प्राइस कैप मिनिमम आपको 36,000 ऑन रोड आपको कोलकाता में देखने को मिलने वाला है। बाकी अगर डिफरेंट स्टेट में आप होंगे तो प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं MI 25 का, जिसका अगर एक्सोरम की बात करेंगे तो 2,40,000 में मिलने वाला। अगर आप कोलकाता में अगर 2,90,000 तक आपको देना पड़ेगा। साथ में अगर बात करेंगे स्पीड T4 का तो 2,17,000 तक एक्सोरम होने वाली है, और आपको कोलकाता में इसको 2,64,000 तक आपको अनलोड देना पड़ेगा। कि शुरू करते हैं इस गाड़ी का फ्रंट वाला प्रोफाइल से। फ्रंट वाला प्रोफाइल से देखने को ना आपको ऊपर से आपको हेडलैम्प और हैजार्ड्स दोनों में सेम मिलने वाली है। मैं इग्निशन एक बार ऑन करता हूँ दोनों का, साथ में आपको हैजार्ड्स वाला बटन भी दोनों के ऑन कर देता हूँ, तो चीज़ें आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। ये देख पा रहे हो दोनों में लगभग सेम मिलने वाला। हेडलैम्प देखेंगे तो फुली LED सेटअप के साथ आपको दोनों में मिलने वाला है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं मिलने वाला है। बट इसका सस्पेंशन आप देख पा रहे हो, इसमें आपको नॉर्मल से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलने वाला है। साथ में इसमें देखेंगे तो 43mm की ऑफसाइड डाउन फॉक सस्पेंशन मिलेगा, बिल्कुल गोल्डन कलर का, ब्लैक कलर के साथ गोल्डन कलर, दिखने में थोड़ा प्रीमियम लुक आपको मिलने वाली है। दोनों गाड़ी में आपको डुअल चैनल ABS के साथ मिलेगा। फ्रंट का बात करेंगे तो 300mm की डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है, दोनों में सेम आपको मिलेगा और बेबरी के साइड से प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करते हैं फ्रंट वाला टायर की, तो दोनों में आपको 110 सेशन का टायर आपको मिलने वाला है, 110 80 रेडियल 17 इंच का यहाँ पर ट्यूबलेस टायर मिलने वाले। सेम चीज़ें यहाँ पर देखेंगे तो 110 70 17 इंच का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलेगा, एलो व्हील ब्लैक कलर का मिलने वाला। सेम यहाँ पे देखेंगे तो डिज़ाइन भी लगभग सेम आपको मिलने वाला है। मिरर जो देखेंगे तो मिरर में आपको यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको मिलने वाली है। यहाँ पे देखो थोड़ा स्टाइलिश टाइप का मिरर आपको मिलने वाली है, और इसमें आपको नॉर्मल से आपको मिरर मिलने वाला है। अब बात करेंगे इन गाड़ी का जो आपको ऑल्टिंग है, ऑल्टिंग देखेंगे दोनों में सेम आपको ऑल्टिंग मिलने वाला है। E20 सपोर्टेड 30 लीटर की ऑल्टिंग मिलेगी। और लुक का डिज़ाइन की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले T4 का दिखा देते हैं। ट्रायंफ का एक बैजिंग देखने को मिलने वाली है, यहाँ पे कुछ 400 का एक डिकाल मिलेगा और इसके ऊपर ग्लॉसी ब्लैक कलर यूज किया गया है। ऊपर से आपको स्टिकरिंग के साथ आपको यहाँ पे T4 स्पीड T4 का बैजिंग भी मिलेगा। ऊपर से देखेंगे तो ग्लॉसी ब्लैक कलर यूज किया गया, और इस साइड में आएंगे साइड पैनल पे तो स्पीड T4 का एक बैजिंग मिलेगा, और ये आपको फाइबर का मिलने वाली है। सेम चीज़ अगर हम यहाँ पे देखेंगे, इसका साइड पैनल पे ऊपर स्पीड 400 का बैजिंग मिलेगा, ये भी फाइबर का मिलेगा। यहाँ थोड़ा बहुत नीचे और थोड़ा नीचे भी आपको ये डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। ऑल टिंग आपको सेम आपको यहाँ पे देखो डिज़ाइन लगभग सेम मिलने वाली। साइड में आपको ये ग्लॉसी ग्रे कलर यूज किया गया, ऊपर से स्टिकरिंग के साथ आपको मिलने वाली है। आपको USB पोर्ट मिलेगा सेम जगह पे, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं मिलने वाला है। चल देखेंगे तो दोनों में लगभग सेम आपको सेमी डिजिटल कंट्रोल मिलेगा। उससे पहले मैं आपको इग्निशन की दिखाता हूँ कि आपको सेम आपको नॉर्मल से मिलने वाला है, जैसे आपको हर ट्रायंफ की मोटरसाइकिल में मिलता है। जैसे गाड़ी का इग्निशन ऑन करेंगे भाई, ये रहा है इस गाड़ी का सेम डीजल वाला कंसोल। इसके ऊपर गियर इंडिकेटर मिलने वाली है, आपको साइड स्टैंड ऑन है तो यहाँ पर वार्निंग दिखाई, डिजिटल घड़ी, नीचे आपको फ्यूल इंडिकेटर, इसके ऊपर आपको ABS का साइन दिखाएगा, हाई बीम लो बीम का यहाँ पर दिखाई देगा, हैजार्ड्स का साइन है, ऑन का भी वार्निंग यहाँ पर दिखाई देना, इंजन वार्निंग का, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो स्लीपर क्लच असिस्ट के साथ मिलने वाली, बटन्स क्वालिटी ना बहुत ही बढ़िया है भाई। ये हाई बीम लो बीम का बटन, और जो मेन अपडेट एक्स्ट्रा चीज़ें यहाँ पर मिलने वाला है, एडजस्टेबल ब्रेक और क्लच, यहाँ पर 5-स्टेप एडजस्टेबल मिलने वाला है। इसको ऊपर की तरफ करके आप इसको रोटेट कर दीजिए, आपके हिसाब से ना, हाथ के हिसाब से ये दोनों एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलने वाला है, और सेम आपको बाकी चीज़ें आपको सेम मिलने वाली है। सीट देखेंगे तो आपको सीट में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको मिलने वाली है, बट सीट कंफर्ट दोनों में लगभग सेम मिलेगा। और इसमें क्या ना थोड़ा डिजाइन वाला मिलेगा, और इसमें आप देखो स्टिचिंग वगैरह बहुत ही बढ़िया किया गया। पीछे से ट्रायंफ का एक डिकाल भी मिलने वाली है, और ये रहा ग्रैब हैंडल, सेम चीज़ सेम ग्रैब हैंडल मिलने वाली है। बट सीट में ना आपको यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे, ये इसमें ना थोड़ा पूरा फ्लैट बनाया गया, और पीछे से ये थोड़ा डिजाइन दिया गया। अब स्टिचिंग वगैरह सेम आपको मिलने वाली है, और दोनों गाड़ी का सीट हाइट लगभग सेम मिलने वाली है, 30mm की मिल रहा है। और टोटल कर्व वेट बिल्कुल सेम है, 1 किलो कम है भाई, ये आपको 180 किलो की मिल रहा है। और इसका अगर MI 25 का बात करेंगे तो 179 kg की आपको ये गाड़ी मिलने वाला है। पीछे वाला प्रोफाइल देखेंगे तो आपको लगभग सेम मिलेगा। एक बार मैं आपको इग्निशन ऑन कर देता हूँ तो आपको चीज़ें आपको पता चल पाएगा। यहाँ से अगर देखेंगे तो ये रहा
फुली एलईडी सेटअप के साथ मिलेगा, या आपको हजार्स मिलने वाली है, और इसमें आपको ब्राइटर वाला टेल लैंप मिलने वाला है जो दोनों में सेम मिलेगा। और टायर एक बार दिखा देते हैं, टायर यहाँ पे आपको 140/70/17 इंच का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलेगा, 230mm की डिस्प्ले प्लेट मिलने वाला है जो आपको स्पीड टी फॉर में सेम चीज़ MI 25 में देखेंगे तो आपको सेम, आपको यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, 230mm की डिस्प्ले प्लेट मिल रहा है, बट इसमें टायर का चेंजेस आपको मिलने वाला है। 150/70 ZR 17 इंच का यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलेगा जो आपको मोटी चौड़ी टायर मिलने वाली है भाई। स्पेशल थैंक्स टू VIP ट्रैम्प शोरूम जो आपको कोलकाता के VIP रोड पे है, अगर आप कोलकाता वाले होंगे तो डेफिनेटली शोरूम विजिट कर सकते हैं। बाकी मोबाइल नंबर और लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, बाकी आप चेकआउट कर सकते हैं। जो या MI 25 में आपको साड़ी गार्ड मिल रहा है, जो जाली टाइप का यहाँ पे साड़ी गार्ड मिल रहा है, सेम चीज़ अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो अब यहाँ पे जाली टाइप का या कोई साड़ी गार्ड का फैसिलिटी कंपनी ने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अब मेन बात करते हैं इस गाड़ी का इंजन, इंजन देखेंगे तो दोनों में लगभग सेम इंजन यूज किया गया, बट आपको इसमें पावर जो है ना एक्स्ट्रा पावर और टॉर्क मिलने वाली है। 398.15 cc की सिंगल सिलेंडर DOSC इंजन मिलने वाली, लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाली है भाई। और आपको ये जो आपको मैं सबसे पहले बताते हैं T4 की बात करेंगे तो यहाँ पे ये 30.6 BHP की पावर मिलेगा, वेयर एज इसमें देखेंगे तो 39.5 नियर अबाउट 40 BHP की पावर मिलेगी। सेम चीज़ यहाँ टॉर्क देखेंगे तो 36 Nm की टॉर्क मिलने वाला है इसका, तो इसका अगर देखेंगे 37.5 Nm की आपको टॉर्क प्रोड्यूस करके देता है। 6 स्पीड गियर यूज किया गया, एक आगे 5 आप पीछे कर सकते हैं। एक सिंगल स्टैंड आपको मिलने वाली है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। दोनों में ग्राउंड क्लीयरेंस 180mm की मिलने वाली है। तो रेडिएटर दोनों में सेम आपको लिक्विड कूल्ड है भाई, तो आपको बड़ा सा आपको ये देखो रेडिएटर मिलने वाला है। सिंगल हॉर्न स्पीकर मिलेगा यहाँ पे, और चेंजेस यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। कि आप इन दोनों गाड़ी का डिटेल कंपैरिजन वाला वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका आपसे अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।